गलती क्या, मेरी गाड़ी में बैठ गया क्या, बोल रही चलना है तो बोल, तेरे लिए हूँ तू मेरी बन गया, आजा छबिए आजा आइटम हम ड्राइव में जाएंगे, मस्ती करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, ज्यादा सोच मत आजा। ए चलो उसे पकड़ते हैं, चलो आजा। लड़की लड़की चाहिए तुझे, लड़की चाहिए, बेईमान बाप की बिगड़ी औलाद, तेरी इतनी हिम्मत, लड़की छेड़ेगा, लड़की छेड़ेगा, छेड़ेगा, ए तू भी आ, अबे आना, ah!
कहाँ कहाँ से चले आते हो रे? मेहमान बन के आयो तो खाओ पियो घूमो फिरो और चलते बनो। उसके अलावा अगर हमारे देश में कोई भी गड़बड़ की, किसी लड़की पर बुरी नजर डाली तो सर 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 थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी जब उन लोगों ने अटैक किया। आप अगर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरा बॉयफ्रेंड डरपोक निकला, वो भाग गया। सिर्फ तुम लड़कियां ही नहीं, हम इंडियंस को बिगाड़ने में नेताओं का भी बड़ा हाथ है। पब्लिक से वोट लेके चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे आजमाते हैं। हमारे युवाओं को अपना करियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तुम नादान लड़कियां लव 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 के पीछे भागती रहती हो। तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ, जब तक लड़कियां बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं, बेवकूफ बनाने वाले लड़कों की कमी नहीं रहेगी। इसमें गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी एज की है। इस उम्र में लव नाम का भूत सवार होता है। प्यार में धोखा खाने के बाद जब तजुर्बा हो जाता है तो लाइफ ग्रेट हो जाती है। लव के पीछे भागने वाली अक्सर तुम जैसी जज्बाती लड़कियां होती हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम तुम अपनी लाइफ के लिए भागी। इसकी भागने की स्पीड से पता चल रहा है कि ये पीटी उषा बनेगी या हेमा दास। आई डैश इट। आप हमेशा आई लाइक इट ही कहते रहते हैं सर, लेकिन आज तो आई डैश इट कह रहे हैं सर। बात क्या है सर? लोगों के पास दिमाग बहुत है, उन्हें वही सोचने दो जो उन्हें पसंद है और जो वो चाहते हैं। संतोष। ओहो राजेंद्र, बताओ क्या हाल है? कल रात को 7 बजे पार्टी रखी है, मिस मत कर देना, आ जाना। डोंट वरी, एग्जैक्टली 7:30 आई विल बी देयर। ओके Hey guys, hi, what's hi, up? Hi. क्या बात है, सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए हो? ये कोई सरप्राइज पार्टी है, कोई खास बात? आज मैं बहुत आजाद फील कर रहा हूँ। मैंने अपने पत्नी को डिवोर्स दे दिया। क्या कहा तूने? अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया? हाँ यार, वो बहुत बैकवर्ड थी, वो मेरे स्टेटस को मैच नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अरे? कॉलेज के दिनों में मुझे एक लड़की से बहुत प्यार हो गया था, जिमी नाम था उसका। लिव इन रिलेशनशिप में रहने को तैयार हो गई है, मैंने भी यही सोचा। तो फिर तेरे बेटे का क्या होगा यार? बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करवा दूंगा उसे। अबे यार, बीवी के साथ डिवोर्स हो गया, तू यहाँ सेलिब्रेट कर रहा है? एंजॉयमेंट बोल के अपने फैमिली को धोखा नहीं देना चाहिए। संतोष को ही देख लो, लव में हार गया, लाइफ में जीत गया। इसके पिता ने जो लड़की पसंद की उसी से इसने शादी की। जिंदगी में जिसे चाहो अगर वो लड़की ना मिले तो जीने का क्या फायदा मेरे दोस्त? अब अपने संतोष को ही देख लो। संतोष तुम खुश हो क्या? सच बोलना मेरे दोस्त। ये क्या बोल रहा है यार तू? तुम लोग पार्टी कंटिन्यू करो, मैं जा रहा हूँ। ए संतोष, ए संतोष, मेरी बात सुन। अरे संतोष, मेरा मतलब वो नहीं था, रुक जा। संतोष मैं एक लड़की से प्यार करता था और वो मुझसे बहुत दूर चली गई। मैंने अपने पापा की बात मानकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। सुनो, रामनाथ की बेटी गौरी के साथ तुम शादी कर लो। तुम अपने पिताजी के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या बेटा? सुनिए ना, वो खाना तैयार है। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम खाना खाकर सो जाओ। Mm-hmm.
Did you finalize the heli taxi agreement with the Russian company? Yes, sir. It's ready. Mail me one copy. I'll go through it. Okay? चलो हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। सुनिए ना, मैंने आपकी पसंद की सेवइयां बनाई है। अब इडली, वो उपमा भी, पूरी, वड़े, पुलाव, सब कुछ बना दिया है। कॉर्नफ्लेक्स नहीं है क्या? कॉर्नफ्लेक्स चाहिए? हाँ, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा, एक मिनट। हाँ, मुझे फ्रूट्स दे दो, वही खा लूंगा। फ्रूट्स? हाँ, अभी लेकर आती हूँ। Yeah, that's okay. Papa. Yeah, I will. Just a minute. क्या हुआ बेटा? क्या आज आप मुझे स्कूल तक ड्रॉप कर देंगे? बेटा, ऑफिस जाने के लिए मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। रोज तो तुम्हें रामू अंकल छोड़ने आते हैं ना? गौरी, I'll call you back. Alright? क्या हुआ जी? मुझे ऑफिस जाना है और ये स्कूल छोड़ने के लिए जिद कर रही है। तुम इसे सिखाती विखाती नहीं क्या? पापा, आप मम्मी को डांटिए मत, मैं ड्राइवर अंकल के साथ स्कूल चली जाऊंगी। ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अंकल, या चलिए। हाँ, हाँ चलो बेटिया। नो नो, आई विल कम देयर एंड टॉक टू यू। सुनिए, Mr. Santosh Narayan. We would like to proudly present the Helitaxi Pioneer Collaboration between Russia and India. Coming to the business plan, we will today be talking about Helitaxi services, the agenda of serving people through the upgraded means of transport. We should be served and reached to the common people. Our second agenda is that the company helicopters are used in aviation and agriculture. The maiden trip of the helitaxi was between Electrocity and Kempe Koda International Airport. Our company helicopters are also used for military purposes, media surveys, rescue operations, सुनिए, आपके लिए जूस। ठीक है, रख दो। हाँ। वाओ, सेक्सी। संतोष, ये कुछ ज्यादा ही ब्रिलियंट है। तुम कुछ ज्यादा ही अमीर हो, इसलिए तुम्हें फंसाना चाहती है। इसके चक्कर में मत आना, इसका नंबर ही ब्लॉक कर दो। बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है क्या? चल नंबर तो दिखा। नंबर तो बॉम्बे का है। आंटी का नाम है दीपा। हे, आंटी की घंटी बज रही है यार। बोलो मलिंगा। हाँ? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? बेटा मलिंगा, ट्रू कॉलर पे सबका नाम आ जाता है, पता नहीं है क्या तुम्हें? ए, मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। मैं श्रीलंका का बॉलर मलिंगा नहीं हूँ, बल्कि हाथी की ताकत वाला गोंडा मलिंगा हूँ। ओहो, तो तुम्हारे अंदर हाथी की ताकत है? हाँ। तो तुम बॉलिंग छोड़ो, तुम तो बैटिंग के लायक भी नहीं हो। आप कौन बोल रही है, मैं जान सकता हूँ क्या? Do you know Rajasthan Royals? Oh, yes, yes. I also know Raj Kundra. तो मैं उसकी दूसरी वाइफ बोल रही हूँ। अरे भाई लोग, शिल्पा शेट्टी से बात हो रही है फोन पे। हेलो, फोन ही काट दिया यार। क्या आदमी है बे, एक लड़की देखी नहीं की, अपनी इमेज और अपनी औकात सब भूल जाता। थू, मोबाइल नंबर दिखा। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम अमेज़न। देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू मैम। कंपनी के लकी ड्रॉ में रोबोट 2.0 की दो फिल्म की टिकट आपने जीती है। अगर आप एड्रेस दे देंगे तो टिकट आपके घर भिजवा दूंगा। एड्रेस लिखेंगे या फिर मैं मैसेज कर दूं? प्लीज टेल मी मैडम। नंबर 29 माउंट रोड, ओके, कंबाला हिल्स, ओके, मुंबई 26, महाराष्ट्र। मैडम, दिस इज अंबानी हाउस। यस, मैं नीता अंबानी बोल रही हूँ।
अब ये तो अम्बानी के घर में फोन लग गया। ओए पागल है क्या? तूने जिससे बात की वो कुंद्रा की वाइफ नहीं है और तूने जिससे बात की वो अम्बानी की वाइफ नहीं है, ये क्या है संतोष? एक छोटे से व्हाट्सएप के लिए तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार? चलो चलते हैं। हाय संतोष, सॉरी यार आज मैं तुझे बहुत टेंशन दे रही हूँ। लेकिन मैं कौन हूँ तुम ये समझ नहीं पा रहे हो ना? अरे मैं हूँ यार धर्मिका। कल शाम 10:30 फोन करती हूँ। ओके बाय। बाहों में तू आ जा, दिल पे मेरे छा जा, तन मन मेरा है प्यासा धार्मिका। सुनिए सर में दर्द हो रहा है, मैं बाम लगा दूं? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, तुम जाके सो जाओ। सॉरी मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती, पर क्या करूं थोड़ी बिजी हूं, कल पक्का शार्प 10:30 फोन करती हूं। ओके ए घड़ी, तू घड़ी है या कोई बैलगाड़ी है? 10:30 बजाने में 3 घंटे लगा रही हो। जब हमें लेट हो रहा हो तो जल्दी जल्दी भागती हो, और जब हमें जल्दी होती हो तो धीरे धीरे चलती हो। हेलो सुनिए, मैं बोल रही हूँ गौरी, सर में अभी भी दर्द है क्या? दवा लिया आपने? टिफिन बॉक्स में मैंने आज बैंगन की सब्जी दी है। अरे बैंगन भिंडी करेला सब खा लूंगा, भगवान के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो यार। मैं किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट का कॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज समझा करो। हाय संतू, कैसे हो? मैं अच्छा हूं धर्मिका। ये बताओ धर्मिका किस वक्त कहाँ हो तुम? जानते हो मैं मुंबई में सेटल हो गई हूँ। संतोष कल ही मेरा एक फ्रेंड प्रभाकर मुंबई आया था, तुम्हारे बारे में उसने सब कुछ बताया, तब से बहुत एक्साइटेड हूँ। कल मैंने तुम्हारे बारे में मैगजीन में भी पढ़ा। कॉलेज में तुम मेरे पीछे लव यू करके पागलों जैसे पड़े रहते थे, एकदम सिंपल से लड़के थे, और आज गूगल में तुम्हारा नाम टाइप करो तो इतना कुछ सामने आ जाता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। धर्मिका एक पत्थर को भगवान की मूर्ति बनने के लिए एक शिल्पकार चाहिए, वैसे एक इंसान को कामयाब बनने के लिए तुम जैसी लड़की की प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। तो मर्द लोग शादी होने के बाद और बच्चे हो जाने के बाद भी अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूलते। प्यार को तुम जैसी लड़कियां जल्दी भूल जाती हैं, लेकिन मुझ जैसे लड़के उस प्यार का मंदिर अपने दिल में बनाकर हमेशा उसकी पूजा करते रहते हैं जिंदगी भर के लिए। सही कह रहे हो, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा मैंने इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं इस फ्राइडे को बेंगलुरु आ रही हूँ, तो क्या हम मिल सकते हैं? क्या तुम वाकई बेंगलुरु आ रही हो? धर्मिका मैं अभी से तुम्हारे प्यार की घड़ियां गिनना शुरू कर देता हूँ। ओके आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय।
क्या कहा? वो वापस आ रही है क्या? ए, कॉलेज में तो उस लड़की के पीछे मारा मारा फिरता था, याद है तुझे? तब उसने तो मना कर दिया था। अब वो वापस आ रही है तो उस लड़की से मिलना जरूरी है क्या? ड्यूड, ये लड़कियां बहुत ही मतलबी होती हैं। कॉलेज के दिनों में तुझे तेरा स्टेटस दिखा रही थी, लेकिन अब वो वापस तेरी जिंदगी में आ रही है क्योंकि तेरे पास आज बहुत पैसा है ना? और क्या संतो, अरे अपने भाई की बात मान, उसके लिए तेरी सुसाइड करने की नौबत आ गई थी, याद है ना? इसीलिए कल जब वो तुझसे मिलने के लिए आएगी तो मैटर ही पूरा क्लोज कर देना। मैं जिसे बहुत पसंद करता हूँ उसे बहुत सालों के बाद मिल रहा हूँ। ओके, 10 साल छोटा लगूं, ऐसा लुक बना दो मेरा। माँ, हमारे घर में सुपर हीरो आए हैं। कौन है सुपर हीरो? सुनो, नेक्स्ट 2-3 डेज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं अलग मूड में रहूंगा, और तुम बीच में आकर बैंगन खाओगे, भिंडी खाओगे, हलवा खाएंगे क्या? क्या भजी खाएंगे? जूस दूं क्या? दूध लेकर आऊं क्या? तला हुआ खाएंगे या सौते कर दूं? ऐसे अननेसेसरी सवाल मुझसे मत पूछना, ठीक है? गुड। सुनिए, आपकी चोटी अच्छी लग रही है। Yes, sir. मुझे एक अच्छी सी डायमंड रिंग दिखाई। See this. No, not all these. I want one exclusive solitaire. Sir, ये solitaire लंदन से इंपोर्ट किया है, एक्सक्लूसिव डायमंड है। Beautiful. आज मैं अपने प्यार धर्मिका को पाने के लिए यह रिंग देकर I love you कहने जा रहा हूं। मुझे यकीन है वो ना नहीं कहेगी। ये रिंग किसके लिए खरीद रहे हैं आप? जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है उसे ये रिंग देने जा रहा हूँ। इसकी कीमत कुछ 4.5 करोड़ होगी सर। पैक कर दीजिए। श्योर सर। हेलो, हाय धर्मिका, मैं हूँ। समझ गई, बोलो। खाना खा लिया क्या धर्मिका? अब तक तो नहीं खाया। क्या कहा? अभी तक खाना नहीं खाया? तबीयत खराब हो जाएगी यार। पता है, पर क्या तुमने खाना खाया? सुनिए, जस्ट 1 मिनट। हाँ, क्या हुआ? आपने खाना नहीं खाया है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए आपके लिए मैं वाटरमेलन जूस लेकर आई हूँ। हाँ, बोलो। कौन थी? तुम्हारी बीवी थी क्या? वो तो तुम्हारी बहुत केयर करती है। अरे वो तो ऐसी, डैड की बात मानकर मैंने उसे शादी कर ली। अरे छोड़ो ना धर्मिका, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ धर्मिका। मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी लेकिन तुमने पहले फोन कर दिया। चलो अच्छा हुआ। अच्छा, कल शाम को हम मिल सकते हैं क्या? हाँ। तो किसी होटल में रूम बुक करूँ? रूम? कल जब वो लड़की तुझसे मिलने के लिए आएगी ना, इस मैटर को पूरा क्लोज कर देना। प्राइवेसी के लिए, समझो ना। हाँ, ऑफ कोर्स। क्या हम इसी वक्त मिल सकते हैं धर्मिका? अरे कल शाम को तो हम मिलने ही वाले हैं ना। ओके ओके, गुड नाइट। ये पहन के देखिए, आप बहुत स्मार्ट लगेंगे। ओ पापा, हीरो की तरह रेडी होके कहाँ जा रहे हो? गौरी, आ रही हूँ। यार तुम्हें पता है मैं कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और ये गुड़िया ने मुझे टोक दिया।
तुम इसे जानबूझकर करने को कहती हो? हर बार ये ऐसा ही करती है। जाने दीजिए पापा, आप मम्मी को मत डांटिए, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। मुझे रात को आने में लेट होगा, खाने पे मेरा इंतजार मत करना। सुनिए सुनिए तो, किसी को देने के लिए आप गिफ्ट लेकर आए थे, इसे तो आप घर पे ही भूल के जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मिर्ची। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। हाय डूड, वेलकम। एवरीथिंग इज रेडी फॉर द मैच। हाँ देख, आज के मैच के लिए मैंने सेट की है ये पिच। पिच? हाँ। तू इसे पिच कह रहा? हाँ, पिच। तुम प्यार करते हो ऐसा बोल के उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन आज वो डायरेक्टली पिच पे खेलने के लिए आ रही है। डूड, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू मेरी उम्मीद पे खरा उतरने वाला है दोस्त। ऑल द बेस्ट। जिस लड़की से तुम प्यार करते थे वो इतने सालों के बाद मिली, मुझे लगा था तुम तेजी से दौड़ कर आओगे और मुझे गले लगा लोगे, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और देखो क्यूट सी स्माइल दे रहे हो और चुपचाप खड़े हो, कितने बदल गए हो तुम। सो ब्यूटीफुल। तुम्हें रूम बुक करने को कहा था, तुमने तो पूरा पैलेस बुक कर लिया। ये सब मेरे लिए किया क्या? बैठो। संतोष, आज तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन चुके हो, इस बात से मैं बहुत खुश हूं। मेरी सफलता का कारण तुम ही हो धर्मिका। धर्मिका, थैंक्स फॉर कमिंग। धर्मिका, तुम्हें देखकर मैं खुशी के मारे तुमसे कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। तुम यहां मेरे सामने बैठी हो यह मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं धर्मिका। सुहाग रात का कमरा सजाने के लिए मैडम ने मुझे इस रूम में जाने के लिए कहा था या इस रूम में जाने के लिए? संतोष, याद है कॉलेज डेज में तुम किस तरह मेरे पीछे पड़े थे और मैं तुमसे बात नहीं करती थी, लेकिन आज देखो मैं खुद तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। टाइम कितना बदल गया है ना। May I come in, sir? Good evening, sir. Good evening, madam. I am Rama Raju. Rama means N.T. Rama Rao, Andhra Pradesh. Raju means Rajkumar, Bollywood ka Rajkumar. Dono naam Kamal hain.
शुभ मुहूर्त तो 8 बजे का बोला गया था, लेकिन आप लोग 7:30 को ही आ गए। बहुत जल्दी में टू अर्ली। ओके, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। फर्स्ट नाइट आपके लिए है, लेकिन मेरे लिए तो 1000 nights हैं। मिस्टर, नो, आप मत बोलिए सर, आप बात मत कीजिए। डोंट वेस्ट योर एनर्जी, बात करने से एनर्जी डाउन होती है सर। सर, मैडम, आपके लिए लाया हूँ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मैडम, सबको मसल कर, अच्छे से निचोड़ कर, सबको मिक्स करके एनर्जी ड्रिंक बना कर लाया हूँ। ये लीजिए, पी लीजिए और 5 मिनट के अंदर। मैडम बोलिए। मैडम, तू कहाँ है बेगधे? तुझे रूम नंबर 1516 को डेकोरेट करने के लिए कहा था ना? किया क्यों नहीं? सॉरी 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 मैडम, सॉरी, आई एम कमिंग मैडम, कमिंग। सॉरी सर, फर्स्ट नाइट उधर है, मुझसे गलती हो गई। हे, ये जूस तो ले जाओ। नो, कॉम्प्लीमेंट्री है, ले लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री है? हे संतो, अगर इस आदमी का फोन 10 मिनट और लेट आता ना, तो ये आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट। क्रेजी। संतोष, फर्स्ट नाइट, फर्स्ट मीट, फर्स्ट साइट, ये सब भूल नहीं सकते ना? हे, क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? हाँ, लाइफ में प्रॉब्लम क्या है यार? पिछले हफ्ते तूने कहा था उस लड़की से बात करवाऊंगा, लेकिन तूने बात नहीं करवाई। अरे तो ऊपर क्यों चढ़ गया? तूने कल्पना से मेरी बात नहीं करवाई, इसलिए मैं यहाँ से कूद रहा हूँ। अरे एक मिनट रुक, मुझे जरा 1 मिनट सोचने का टाइम दे। ये कोई स्टूडेंट है क्या? स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट के जैसा सुपर सीनियर है। अबे क्या कर रहा है? हाँ, पत्थर तो बहुत मजबूत है रंगा। हाँ, तू ऊपर से सीधा ऐसा कूद कि डायरेक्ट आके इस पत्थर पर तेरा सर टकराए और फट जाए। चल कूद जा। ए, क्या कर रहे हो? अरे ये पहाड़ क्यों रख दिया? अगर वो टेक ऑफ करके यहाँ पर आया और डायरेक्ट यहाँ पर लैंड हो गया, हाँ, टोटल फिनिश। अरे कहाँ गायब हो गया? ओके ओके, हैं? यहाँ पर लैंड होने के बजाय दूसरी तरफ कूद गया क्या? अबे चुप बे, हटना यार, क्या कर रहा है? अबे तू मेरा दोस्त है कि तू मेरा दुश्मन है? क्यों बे, क्या किया मैंने? तुझे मेरी हालत पर तरस नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, कितना बेरहम हो गया तू। ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ मैंने? यहाँ सबकी सेटिंग करवाता रहता है, मेरे बारे में कभी नहीं सोचता है तू। एक बार मेरी बात करवा दे यार। अरे ये क्या है भाई, समझाओ इसे, बात करवाओ इसकी। भारत देश में इतने सारे लोग हैं, किसी से भी इसकी बात करवा दो। अरे भाई कुछ तो करो। चुप्पे गधे, ये दूसरी बात करने को कह रहा है और तू कुछ गलत चीज समझ रहा है। अरे गधे, खाने की बात हो सकती है, पीने की बात हो सकती है, रहने की बात हो सकती है, हेल्प भी कई तरह की हो सकती है। ये टेंशन में शोले का वीरू बन गया और मरने के लिए टेरेस पे चढ़ गया। अरे तू क्या समझा पगले? ये तो तुम डबल मीनिंग की बात कर रहे हो भाई। तू गंदा इंसान है, डबल मीनिंग की बात करके तू इसे पूरे कॉलेज में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अबे कपड़े पहनने की तमीज नहीं और हमको तरीका सिखा रहा है? चल बेटा, आज की तारीख में तेरी सेटिंग करा ही देता हूँ। चल फिर कभी धर्मबाजी मत करना। अरे मैं समझा नहीं। Take your lamps, yeah. Take your listen, it's going down just like this. Guru Brahma, yeah, Guru, show me the way. Guru Vishnu, on to the Guru, Mamma Mia. Guru Devo Maheshwara, Maheshwara. Kalpi,
ये कौन है पता? सेल्फी रंगा। मैं इसे नहीं जानती। इसे नहीं जानती? ये तुझे जानती नहीं और तू बिल्डिंग से कूदने चला था इसके लिए? कल्पी कल्पी, तुम मुझे नहीं जानती क्या? चार साल से तुम्हारे पीछे पीछे मैं कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ। नहीं एलडी, सच में मैं इस आदमी को नहीं जानती। अबे कुत्ता क्यों बना हुआ था? तुझे सामने जाकर इसके गले में वरमाला डालनी चाहिए और तू इसके पीछे दुम हिला रहा था। अबे आंखें जो होती हैं वो आगे होती हैं, पीछे सही से कैसे पता चलेगा तू इसके पीछे? सही कहा ना कल्पी? राइट एलडी। हां तू इसके पीछे से क्या देखता रहा? कमीने गंदे इंसान। लव लव के बारे में बात करो ना। अबे तू भी लव का मरीज है कमीने। अच्छा कल्पना, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है ना? ये जो गधा है वो तुझे दिल से चाहने लगा। अरे चाहत बात कुछ नहीं है यार, मेरा लव ट्रू है, ट्रू लव। तू लेन देन की बात कर रहा है, मैं समझ गया, मुझे सिखा मत, समझा? कल्पी ये तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता है, पार्क में बैठकर ये तुम्हारे साथ चोंचे लड़ाना चाहता है। तो पहले पार्क से शुरू करते हैं, फिर थिएटर में जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे रूम में जाके ऐसे कंधे पे और कंधे से फिर होंठों तक, और फिर उसके बाद का काम वो कर लेगा। कर है क्या ये? अबे यार तुम क्या बात कर रहे हो यार, कहां से कहां पहुंच गए? मेरा प्यार ट्रू लव है, ट्रू लव। अच्छा ट्रू लव है, यानी तू इससे सच्चा प्यार करता है और इसे छूना भी नहीं चाहता? नहीं नहीं। ओ कल्पी ये टचिंग किसिंग वाला नहीं है, प्योर लव है। अच्छा इसके लिए 6 साल तक नयन मटक के करते रहना, यही ट्रू लव है। इसकी नजरों में ट्रू लव का मतलब है लड़की के पीछे कुत्ते की तरह घूमते रहना। कल तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी तब भी ये तुम्हारे घर के सामने अपना घर बनाने की सोचेगा, तुम्हारे लिए ये आहे भरता रहेगा और ये मानेगा नहीं, बिना घी के ख्याली लड्डू खाता रहे। यार तू समझ नहीं रहा, तू सिर्फ लव की बात कर, बाकी की सेटिंग मैं खुद कर लूंगा। अच्छा तुझे लव के बाद वो सब भी चाहिए, तो तेरी लव की सेटिंग करूं? चल ठीक है। अच्छा कल्पी सबसे पहले ये लव करना चाहता है, उसके बाद ये लेन देन की बात करेगा, ठीक है? चप्पल से मारूंगी मैं तुझे। अबे अच्छा खासा मेरा प्यार शुरू होने वाला, तुझसे पहले ही तूने खत्म कर दिया। प्यार के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो तेरी बात कर रहा हूँ, वो चप्पल से मारेगी बोला तो मैं क्या करूँ? चल मैं कुछ करता हूँ। कल्पी तुम नाराज क्यों हो रही हो? ये प्योर लव करना चाहता है, उसके बाद वो अपना कार्यक्रम करना चाहता है। ए, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर वो तेरे प्यार को समझ गए तो मेरे पास आना, बड़ा आया प्यार करने वाला। शक्ल देखिए आईने में। हाँ सही कहा इसने। क्या एलडी तुम भी, कैसे घटिया दोस्त बना के रखे हैं तुमने। अरे तुम्हारे प्यार में पड़ के ये बिल्डिंग की टेरेस पे चढ़ गया था। अरे ट्रू लव करता है ना, तुम जाओ, मैं समझा। मेरी सेटिंग करने के बजाय सब चौपट कर दिया। जरा सुन, तेरे लिए मैंने सारे हथकंडे आजमाए, अगर वो नहीं मानी तो मैं क्या करूँ? चप्पल से तेरा मुंह तोड़ने वाली थी, तेरे को बचाया मैंने, जो चला गया ना उसे भूल जा। आई बात समझ में? ये प्यार का भूत है ना, सर चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के, समझ गया? तू उस कोठारी को जानता है क्या? उसने 500 रुपए खर्च करके आज वायश कर रहा, समझ गया ना? चल ये पैकेट संभाल, एक और ये दो, इसको हमेशा अपने पास रख और जब भी मौका मिले इसका इस्तेमाल आइटम पे कर, दिमाग एकदम क्लियर रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा, समझा? ये अच्छा है तुमने कुमार और रमेश के अच्छे से सेटिंग करवा दी और मेरे को किसी आइटम के पास भेज रहे हो। अरे इसी का नाम तो जिंदगी है भाई। अच्छा तू रुक, मैं एक फोन लगाता हूँ, फिर देख तेरा काम होता है कि नहीं। अबे रिंग तो यहीं कहीं बज रही है ये। अरे मैं यहाँ हूँ भाई। वहाँ झाड़ियों में घुस के क्या कर रहा है तू? प्यार कर रहा हूँ भाई। ओके ओके कंटिन्यू कंटिन्यू। देखा ये भी प्यार का मरीज था, लेकिन इसको मैंने लगा दिया सही काम पे। देख इनकी सेटिंग तो हो गई, लेकिन वो तो ये चप्पल से मार रही थी, बड़ा अजीब आदमी है यार। मेरी बात मान, जो मैं कह रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है, इस हथियार का इस्तेमाल कर और दिमाग को हल्का कर, जा निकाल। यार मेरे लिए ठीक है, पूरी दुनिया के लिए यही ठीक है, चल जा, प्यार का चक्कर छोड़ और आगे बढ़। एलडी हाँ एक दो और दे दे। अबे पूरा मजा एक ही दिन मिलेगा? पूरा मजा लेना है भाई। अबे जा तेरी तो पर निकला है। ओपन ओपन कहकर तो तुम बहुत ही ओपन हो गए हो यार। अब हम क्या करें, हमें जरा तुम्हारा स्टेटस चेंज हो गया यार, लेकिन ये रिंगटोन चेंज नहीं हुई। जरा एक मिनट। हेलो संतू। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? बेड के पास जा तो बताता हूँ। ओए बेड के पास ही और कहाँ जाऊँ? अब तू बेड पे तकिए को देख। हाँ उसमें क्या है बे? अब तू राइट वाले तकिए को उठा। अबे ये क्या है बे? उत्साह वर्धन करने के लिए मर्द की जरूरत है यार, बट सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हे एनीथिंग रॉन्ग? नहीं नहीं कुछ नहीं धर्मिका, एक खास दोस्त का फोन था। संतोष कॉलेज डेज में तो तुम कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड थे, तो अब अचानक से क्या हो गया तुम्हें? वो दिन याद है? तुम तीनों उधर जाओ और तुम चारों उधर जाओ, ठीक है? वो पार्क में यही कहीं जॉगिंग कर रहा होगा, उसको घसीटते हुए यहाँ लाना, जाओ जाओ। अरे सुन मैं अभी आती हूँ। ये लड़की भी ना सर, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, लव पर थीसिस लिख रही हूँ। लव पर? हाँ प्यार सर।
प्यार पर थीसिस लिख रही हूँ मैं। आपके हिसाब से प्यार क्या है सर? प्यार ये ले पकड़। धीम तकिटा तुम तकिटा मतलब क्या है सर? इसका तुम्हें नहीं पता है? APS कॉलेज के LD गुरु भाई का थीसिस है ये। क्या कहा? लव क्या है ये जानना है? हाँ सर। अच्छा ये बताओ तुम मेरे बारे में पक्का पता करके आई हो ना? पक्का पता करके आई हूँ। फुल डिटेल में ना? हाँ सर। तुमने सुना है ना मैं क्या चीज हूँ? कॉलेज में सब आपको लव गुरु कहते हैं सर। अच्छा ये बुक्स को जरा यहाँ रखो। ये बुक सर? हाँ और क्या। अपनी बैग को भी यहाँ रखो। हाँ जरा इजी हो जाए यार। ओके सर। रख दिया। अब बताइए लव क्या है? जरा छाते के अंदर छुपा हमको। छाता? इससे क्या करेंगे सर? हाँ कुछ टेक्निक बताता हूँ रुको। मैंने आपसे लव क्या है पूछा? लव छोड़ो आप तो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। लव तो ऐसे ही किया जाता, और कैसे किया जाता लव? नहीं बिल्कुल नहीं, ये लव नहीं है सर। तो क्या है? मैं थीसिस के लिए आपसे हेल्प मांगने के आई। तो थीसिस के लिए हेल्प चाहिए तुम्हें? तो डिटेल्स चाहिए तुम्हें लव के बारे में है ना? अच्छा सुनो एक काम करते हैं, उस क्लासरूम में लेक्चरर टीचर कोई भी नहीं है, एकदम खाली है वो। हम वहाँ चलते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और डिटेल में सब कुछ समझाता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? सब कहते हैं कि आप लव के बारे में करेक्ट और अलग तरीके से समझाते हैं सर। क्या सर, मैं हेल्प के लिए आई, आप तो हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, डेली पिस्ता अंगूर अनार बादाम मौसम्बी डेली सुबह शाम खाती रहो, एक हफ्ते बाद मुझसे आकर मिलो। उसके बाद तुम्हें लव क्या होता है वो मैं बताऊंगा, तुम खुद ही लव के बारे में सबको बताती फिरोगी। चल रहे मोटे निकलते हैं, पर पे लव का भूत चढ़ गया ना तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगी ये। मैं 6 साल से तुमसे प्यार कर रहा हूँ, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? डार्लिंग बस 6 मंथ और वेट करो, शादी कर लेंगे ना, पहले एग्जाम तो होने दो। ये क्या लगा रही है चेहरे पे? ये एक्ने स्टार है, एक्ने स्पेशलिस्ट। थोड़ा मुझे भी देना यार, देख कितने पिंपल्स हो गए हैं। इसे लगाओ, जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू। ए धर्मिका, तू पागल हो गई है क्या? क्या कहा? वो संतोष प्यार में पड़े हुए लड़कों को कॉन्डोम देकर उन्हें भटका रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और तुम हो कि उसको सब्जेक्ट बनाकर उस पर PhD करना चाहती हो? देखो धर्मिका, कुछ ही दिन में तुम उसकी फिलॉसफी में उलझ कर रह जाओगी। नहीं, मुझे ये थीसिस कंप्लीट करने के लिए पहले उसे स्टडी करना पड़ेगा। क्यों मैडम थीसिस? कल मैंने जो सबक तुम्हें सिखाया था उसका आज प्रैक्टिकल करने आई हो क्या? प्रैक्टिकल नहीं करना है सर। थियरी तो बोरिंग होता है यार, प्रैक्टिकल से ही फटाफट खत्म कर देते हैं ना। सर प्लीज सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ डिस्कस करना है। ओके चलो। सर ये बताइए आप आउट कैसे हो गए? अरे 6 मारने के चक्कर में आउट हो गया यार। लड़के ऐसे ही होते हैं। डिफेंस करूंगा तो आउट नहीं होऊंगा, लेकिन मैच तो नहीं जीतेंगे ना, इसीलिए 6 मारने गया। ए बैल क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा तू? मारना सेक्स। अरे सिक्स सिक्स। अरे परेशानी में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ उसको। सर मैं आपसे ओपनली एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका आंसर ओपनली दीजिएगा। पूछो। एक बात बताइए, आप सेक्स को इतना पसंद क्यों करते हो? हा? ए, क्या बात है? ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? सर आप उस टॉपिक पर इतनी आसानी से बात करते हो, ऐसा कैसे सर? सेक्स के बारे में? नहीं नहीं सर, सेक्स के बारे में। ओके ओके ओके। इसमें
कौन सी बड़ी डिफिकल्टी है यार? पहले मुझे ये बताओ कि तुम थीसिस लव के बारे में लिख रही हो या सेक्स के बारे में? लव के बारे में। हाँ लव, वो लव को ही मैं सेक्स कहता हूँ। तुम्हें भूख लगती है ना? हाँ। खाना खाती हो ना? हाँ। सोती हो ना? वैसे ही ये भी करना पड़ता है। हाँ? अरे एक चाय पीने जितना आसान है, इसके लिए इतना सर क्यों खपाती हो? कैसी बात कर रहे हैं आप? लव के बारे में क्या जानते हैं? लव ही जिंदगी का खूबसूरत सच है। लव ही पांच वेद है और लव ही भगवान है, पता है? क्या इसको भगवान बोल रही हो? तुम्हारे हिसाब से लव किसे कहते हैं? आरती करो, पति की पूजा करो, उसकी सेवा करो, यही ना? चलो मैं तुम्हें लव के बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन देता हूँ और आगे से मुझसे सवाल मत पूछना। बैठो। देखो, तुम लव के बारे में झूठी बातें बता सकती हो, थीसिस लिख सकती हो और डॉक्टरेट भी कर सकती हो, लेकिन पता है आज की दुनिया ऐसे ही चलती है। इस संसार में लव को कैसे कैसे यूज करते हैं जानती हो तुम? लव तो सेक्स से भी खास है। मिसाल के तौर पर एक लड़के को एक लड़की से प्यार होता है। समझ लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर मैं तुम्हें पार्क में ले जाता हूँ, थिएटर में ले जाता हूँ, तुम्हें टच करता हूँ, तुम्हें किस करता हूँ, क्या तुम शराफत से मान जाओगी? नहीं मानोगी। इसीलिए आई लव यू वाला ट्रम्प कार्ड फेंकते ही सब लड़कियाँ मान जाती है, सब कुछ ओके हो जाता है। पिकअप करो, ड्रॉप करो, पैकअप कर दो, इसी को लव कहते हैं। समझ गई ना? और कोई स्पेशलिटी नहीं है इस लव में। उसके बाद जो प्यार होता है वही पवित्र है। अरे अब इसे क्या समझूं? लव इज अ फीलिंग, लव इज डिवाइन, लव इज प्योरिटी, लव इज सैक्रिफाइस, जानते हैं क्या? बस कर मेरी माँ, बस कर। तेरे जैसा ही एक साइंटिस्ट था, लव क्या ये प्रूव करना चाहता था, उसके लिए क्या किया पता है? हा? इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला जानवर कौन सा पता है? बंदर। वो हमेशा अपने बच्चे को सीने से लगाए रखता है। उस साइंटिस्ट ने उस बंदर और उसके बच्चे के लिए एक बड़ा सा ग्लास टैंक बनवाया। उस टैंक में पानी भरने के लिए एक बड़ा सा पाइप लगवाया। बंदर और उसके बच्चे को टैंक में बंद करके पानी भरना शुरू किया। पानी जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगा, उस बंदर ने अपने बच्चे को कस के अपने सीने से लगा लिया। और पानी बढ़ने लगा तो बंदर ने अपने बच्चे को अपने सर पे बिठा लिया। जब पानी और बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते बंदर के नाक तक आ गया तो वो डर के मारे कांपने लगा और उसने बच्चे को नीचे फेंका और उसके ऊपर चढ़ गया। कहां गया उसका प्यार? समझी, इंसान अपने आप से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करता। यहाँ सब स्वार्थी हैं। इंसान प्यार अपनी खुशी के लिए और अपने सुकून के लिए करता है, बस। इस संसार में प्यार का बहुत महत्व है। देखो, मैंने प्यार के टॉपिक पर थीसिस लिखी है, आप इसे पढ़ो, तब पता चलेगा कि प्यार क्या है। ये चंद कागज के टुकड़ों पर तुम जैसे लोग प्यार की झूठी कहानी लिखते हो, उसकी आज की दुनिया में कोई अहमियत नहीं। धार्मिका, तुम सुबह से कुछ ज्यादा ही अपसेट दिख रही हो। उस पागल ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं। संसार के सभी लोग प्यार के बारे में एक ही एंगल से बात करते हैं, लेकिन वो दूसरे एंगल से बात करता है। मैं उसे मेंटल कहूं या इंटेलिजेंट कहूं, कंफ्यूज हो गई हूं यार। आई थिंक ही इज नॉट एट ऑल मेंटल, पर 100% वो इंटेलिजेंट है। अगर मैंने उसे कंप्लीटली स्टडी किया तो PhD में फर्स्ट रैंक लाऊंगी। इसीलिए कल से ऑपरेशन LD स्टार्ट्स। वाह, क्या बात है, एकदम डूड लग रहा है भाई, एकदम कूल, सुपर कूल। एलडी, तूने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। क्या बात, सब आउट हो गया। क्या हुआ? जो दिमाग में चढ़ा था अब मेरा मन बहुत प्रसन्न रहता है। एलडी, तुम्हें एक बात पता है? वो क्या? मैं इंटरनेशनल स्टडी में
फर्स्ट आया हूँ। तू तो एकदम हल्का हो गया लगता है। कीप इट डाउन डाउन डाउन। पता है टेंशन में तुझे कुछ दिया था? लल 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 लल। हाय सर। ओहो क्या बात है, प्यार की देवी यहाँ क्या कर रही है? सर वो अपने कमरे की छत पर लगे पंखे को घूमते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि मैंने जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सही थी, यही कहने आई हो ना? हाँ सर, बंदर की कहानी तो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आप ही को स्टडी करूं, इसलिए आई हूँ सर। अरे रे 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 रे। मैं कौन हूँ ये तो मुझे भी समझ नहीं आता, और तुम मुझे स्टडी करके थीसिस लिखकर एग्जाम पास करना चाहती हो? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज सर मुझे अपने साथ रख लीजिए। रख लो। हाँ सर। शादी करने के लिए बहुत लड़कियाँ मिल जाएंगी लेकिन साथ में रहने के लिए नहीं मिलती हैं। इसको साथ में रख ले। सर मेरे साथ रहोगी? हाँ सर, प्लीज सर मान जाइए। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। सर आई मीन अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो लव थीसिस के लिए मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। अच्छा। आपके साथ रहूंगी तो सारा काम कर दिया करूंगी, छतरी भी पकड़ूंगी, ड्राई फ्रूट्स दूंगी, पिकअप ड्रॉप करूंगी। प्लीज 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 सर प्लीज। तुम जैसी प्यारी सी डिंपल ब्यूटी मुझसे कहेगी मुझे अपने साथ रख लो तो पता है मुझे इस कॉलेज के लड़के लड़कियां पटक पटक के मारेंगे, लेकिन मेरी जान मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम मेरे साथ रह सकती हो। फॉलो मी।
मैडम आपको क्या पीएचडी में डिस्टिंक्शन चाहिए? तो आपको शाम को 7 बजे एक पूजा में जाना होगा। पूजा में? प्रैक्टिकल पूजा मैडम। मुझे पूजा करना बहुत पसंद है। आप तो समझ गए लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है। रात की पूजा मिस मत करना, पक्का पहुंच जाना। जरूर आऊंगी। सर एक मैनफोर्स कॉन्डम। ये लो, एक सरदर्द की गोली दो ना सर। ये क्या है भाई? ये हाँ? जनगण जीव रक्षक मैन फोर्स। एक पैकेट मुझे भी दो ना सर। सुंदरा मेरी सुंदरा रात को सुंदर बना। ये उस एलडी के स्टूडेंट के लिए मेरे द्वारा तैयार किया लैब। नहीं नहीं, लव लैब। अब थोड़ी ही देर में यहाँ पे एक प्रैक्टिकल शुरू होगा। अरे अपना बॉस कहाँ गया? अरे बॉस, बॉस। अबे अबे अरे अबे क्या कर रहे हो? अबे शर्ट शर्ट फाड़ेगा क्या मेरी? यहाँ आके तो देखो बॉस, सुहागरात की तरह इस कमरे को सजा दिया तूने। ये क्या कर दिया तूने? ये तो लैब है। लैब है? यस। तो एक्सपेरिमेंट करेगा? बैठो तो सही। अरे बोल तो। अबे बस मैंने उसके लिए सारा अरेंजमेंट कर दिया है। अबे अरेंजमेंट करने के लिए यही जगह मिली तुझे? हमारे लिए ये लैब है। हाँ बताया ना तूने। हाँ लव लैब। लेकिन लड़की कौन आने वाली है? अरे वही अपनी धार्मिका, अपनी थीसिस लिखने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है आजकल। क्या कहा? धार्मिका? बस वो आने ही वाली होगी, उसके आते ही तुम शुरू हो जाना। अबे हाँ? अबे कोई दरवाजा खटखटा रहा है यार। बस पक्का वही होगी। मैं जाके उसका वेलकम करता हूँ। तब तक आप ये गजरा लगा कर क्या रहा है? तो बैठ के सुनते रहो। गड़बड़ हो गई बॉस। बॉस क्या हुआ? बॉस क्या हुआ? क्या तुम्हारे पापा आगे? भागो। पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे पापा आप तो बड़े जल्दी आ गए। काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए आज ही आ गया। अच्छा बेंगलुरु में बहुत ही गर्मी थी बेटा। हाँ पापा यहाँ भी कौन सी कम गर्मी है, देखिए ना। ये हाथ में गजरा क्यों बांध रखा? वो ऐसा है ना पापा कि वो हाथ में गजरा पहनने से भगवान की पूजा के लिए था क्या? हाँ पूजा के लिए। समझ गया समझ गया। भगवान की पूजा करने से मनुष्य के मन को आनंद मिलता है। पूजा करो पूजा। ठीक है पापा पूजा करता हूँ। पूजा का एटमॉस्फेयर तो नहीं लग रहा। पापा आप अंदर जाके आराम कीजिए ना, मैं पूजा करके आता हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है हाँ जाइए। हाय सर। अरे 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 तुम अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? सर पूजा अंदर करनी है ना। पूजा पूजा यहाँ नहीं कर सकते सर, यहाँ तो पूजा वाला एटमॉस्फेयर है। पापा कोई नहीं है, वो बस काम वाली है। तुम निकलो यहाँ से। सर यहाँ किससे आने को कहा था तुमसे? उस गधे ने। सर आपके फ्रेंड ने कहा था पूजा है तो देखिए मैं तैयार होके आई हूँ। अरे यहाँ कोई पूजा उजा नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। तो आज पूजा नहीं है क्या सर? अरे मैं तुम्हें बाद में पूजा की तैयारी करके बुलाता हूँ, चलो यहाँ से। कब करेंगे पूजा? आज तो मर गया था। पूजा पूजा करवा रहे थे? अरे रुको यार। अरे पूजा शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मैं बस तुम्हारे फ्रेंड पिघल थे। अरे ऐसे ही मजाक कर रहा था यार। अरे क्यों लाया? सुनो तो। अरे आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे रुको 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 रुको। अरे क्या कर रही हो यार? अरे अरे गलती हो गई, माफ कर दो यार। अरे मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की थी यार, सच कह रहा हूँ। अरे रुको तो। अच्छा सुनो सुनो, मैं छोड़ने वाली नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या था। हाँ हाँ बोलो बोलो। कितने बदमाश थे तुम। ओके बहुत भूख लगी है मुझे, कुछ ऑर्डर करो ना। अभी ऑर्डर करता हूँ मैं, तब तक फ्रेश होके आती हूँ। ओके
हाय आर्टिस्ट। हाय अल्बी, रात वाली पूजा हुई? अबे हट, मेरे डैड ने आके पूरा गेम खराब कर दिया। इसीलिए सुबह से धर्मिका यहाँ पे इंतजार कर रही है। अबे कहाँ है? हाय सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। सर सॉरी सर, मैं पूजा के लिए देर से पहुंची। अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लव थीसिस के लिए कर रहा हूँ, पर्सनल कुछ भी नहीं है मेरा। हाँ, समझ गई सर। सर हाँ। मुझे ना एक डाउट है। वो नंदी हिल्स पर एक ना लवर स्पॉट है, उसे प्रेमियों का स्वर्ग कहते हैं ना सर? हाँ। आप मुझे एक बार नंदी हिल्स लेके चलेंगे? ओह, प्रैक्टिकल देखना चाहती है। प्रेमी यहाँ प्रेम में मगन है सर। हाथ मुंह और सारे अंग काम पे लगे हुए हैं। सर प्यार करना भी कितना जरूरी है। सुनो, टाइम वेस्ट मत करो, बस आधा घंटा बीतने दो, सूरज को जरा डूबने दो। हाँ। फिर कैसे आपस में डूबते हैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ठीक है सर, नोट करती जाओ। मैं सब कुछ नोट कर लेती हूँ। हाँ, जल्दी। शाम हो गई, चलो अंदर बैठ। ओके। अभी ना सिर्फ अपने कान खुले रखो और सुनती जाओ, तुम्हें पूरा अंदाजा हो जाएगा। okay. कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? सर, अरे इधर, ये देखो। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो देखो अच्छे से, कैसे तोता मैने की तरह प्यार में मगन है, किस तरह दोनों चोंचे लड़ा रहे हैं। देखो देखो। hey! अरे अरे, हेलो हेलो, तुम लोग लगे रहो, टेंशन नहीं, हम लोग तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आए। ये प्यार में थीसिस लिख रही है ना, तो उसके लिए तुम लोग लगे। अरे कहाँ भाग रहे हो? रुको यार, अरे कहाँ भाग रहे हो? इसे कहते हैं प्रैक्टिकल प्यार, इस तरह से जो ये गंदी चीजें दिखा रहे हो, जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? अरे यही तो प्यार का दूसरा पड़ाव है, इसी को तो असली प्यार। मुझे इस तरह का घटिया प्यार नहीं देखना है, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। मैं थीसिस करके तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, तुम दिमाग खराब कर रहे हो। धर्मी का असली मकसद यही होता है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, गुड बाय। अरे यार, क्या समझाया इसे, इसे तो 1920 में पैदा होना चाहिए था, कहाँ आ गए इस जमाने में। चलो, इस माहौल में सिगरेट पीने का बड़ा मजा आएगा, सिगरेट पीता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। इसे प्रैक्टिकल करवा रहे आया था, इसने दिमाग का दही कर दिया, कहाँ फंस गया यार। बुलबुल गलती क्या, बड़ी गाड़ी में बैठ गया। क्या बोल रही, चलना है तो बोल, तेरे लिए हूँ, तू मेरी बन गया। आजा छबिए, आजा आइटम, अच्छा सुन लीजिए, लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे, मस्ती करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, ज्यादा सोच मत, आजा। ए, चलो उसे पकड़ते हैं, चलो। लड़की, लड़की चाहिए तुझे, लड़की चाहिए। बेईमान बाप की बिगड़ी औलाद, तेरी इतनी हिम्मत। लड़की छेड़ेगा, लड़की छेड़ेगा, छेड़ेगा।
ए, तू भी आ। अबे आना। Is a feeling. Love is divine. Love is purity. Love is sacrifice. जानते हैं क्या? The number you're trying to reach is out of the service area.
आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो नेटवर्क से बाहर है। अरे सीनियर यहाँ पे हाँ। अपने कॉलेज में सारे लोग सेल्फी की बात कर रहे हैं, ये सेल्फी आखिर है क्या? इसे पता नहीं है। सेल्फी के बारे में नहीं जानता है क्या? सेल्फी का मतलब है अपने खुद के हाथों से ऐसे खचाक करके फोटो लेना। ओ अच्छा ये है। क्या हुआ एलडी, तू ऐसे देवदास बन के क्यों बैठा है? आखिर बात क्या है बे? कुछ नहीं यार, वो दो तीन दिन से धर्मी का कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना नींद आ रही है ना चैन आ रहा है यार, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तुम उससे बात करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा एलडी। एक दो बार किसी के साथ टाइम पास करके आ जा, दिमाग का ये सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा, दिमाग कूल हो जाएगा। ये ले पकड़ 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 पकड़िया, मुझे पकड़ा दी। अरे उर्मी, तुमने धर्मिका को कहीं देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा एलडी। हे शैली। हाय एलडी। धर्मिका को कहीं देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। अरे तुम रोज कॉलेज आती हो ना, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी फ्रेंड का है? अजीब है। हेलो सर, कहाँ गुजरो? लेडीज हॉस्टल है। सर सर मेरी बात सुनिए सर। धर्मिका कहाँ हो तुम? ए, जरा विद्या को बुलाना, कहाँ है वो? विद्या, तुझे एलडी बुला रहा है। ए, विद्या, धर्मिका को बुला, मुझे उससे बात करनी है। पता है तो बता दे, नहीं तो यहीं खड़ा चिल्लाता रहेगा। तू एक काम कर, नीचे आ, मुझे उससे बात करनी है। जाकर उसे बता दो कि वो गांव गई है, जाओ ना। धर्मिका कहाँ है? वो गांव गई है। गांव गई? कौन से गांव गई? समस्तीपुर गई है। समस्तीपुर गई है? तुम्हारे पास वहाँ का एड्रेस है? एड्रेस तो नहीं है मेरे पास। जी, जीप यहीं तक जा सकती है, इसके आगे रास्ता बंद है। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है? 12 किलोमीटर तो होगा ही साहब। चलकर जाना पड़ेगा क्या? हाँ, यहाँ से आप सीधा चले जाइए। ठीक है। Excuse me, मुझे थॉटन वायल यूनिवर्सिटी जाना। ओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आइए बैठिए। थैंक यू। आप बेंगलोर से आ रहे हैं क्या? जी हाँ। बस से आए? जी। बस से आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए मैं अपनी बुलेट से जाता हूँ। अच्छा। बात कहूं, जिंदगी में हमें अपनी पसंद की लड़की मिलने के बाद खाना पीना कुछ याद ही नहीं रहता। सच कहें तो हम उस लड़की के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। अब आप मुझे ही लीजिए, 7वीं क्लास से मेरी मास्टर डिग्री खत्म होने तक एक लड़की ने भी मुझे नजर उठाकर नहीं देखा, सच कह रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, मुझसे प्यार करने वाली एक लड़की मेरे बगल वाले घर में रहती थी, मुझे पता ही नहीं था। ऐसा? हाँ हाँ, और क्या। और सुनो, ऊपर वाले ने एक लड़की के लिए एक लड़का बनाया और उन दोनों को एक दिन मिलना है, ऐसा लिख भी दिया।
ये लड़की अच्छी है, वो लड़की अच्छी है, ऐसा सोचते हुए फालतू में टाइम वेस्ट करके अपना सर फोड़ते रहते हैं। अगर वो लड़की उसे तुम्हारी जिंदगी में आना है ऐसा भगवान ने लिख दिया तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तुम टेंशन मत लो। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए एक गुलाब का फूल देकर प्रपोज करना चाहता हूँ। यहाँ गुलाब का फूल कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग कहाँ है? हाँ यही है ना, यहाँ पास में स्वर्ग है। अच्छा? मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलिए। धरती पे स्वर्ग है ही। ए चिदंबरम। हाँ बोलो भाई, क्या चाहिए? ये भाई बैंगलोर से आए हैं, इन्हें एक अच्छा सा बुके चाहिए। वो ये फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड से आई लव यू कहने जा रहे हैं, ऐसा बनाना कि वो एक बार में ही हाँ बोल दे। मैं इन्हें लाल गुलाब का बुके दे देता हूँ भाई। हाँ दे दो, ये लीजिए भाई। पैसा मुझसे लेना, मैं बाद में देता हूँ। चलेगा भाई। भाई ये लो बुके। वाओ ब्यूटीफुल। ये भी एक कोइंसिडेंस है, एक नई लड़की से मिलने के लिए एक नए रास्ते पर जा रहे हो और उसे मिलाने के लिए आपको मेरे जैसा एक दोस्त मिल गया। मैं आपको कॉलेज तक छोड़ देता हूँ, आगे का काम आपका होगा, वहाँ पहुँचाने के बाद मेरा काम खत्म। ये है यूनिवर्सिटी। थैंक यू। नमस्ते। मुझे धर्मिका से वो ऊपर गार्डन में होगी, आप जाके मिलो। थैंक यू। हे, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ कैसे? यहाँ भी किसी के साथ कोई कनेक्शन है क्या? बेंगलुरु तो ठीक था, पर यहाँ भी किसी को नहीं छोड़ोगे? दरअसल मैं यहाँ तुमसे मिलने आया। बात क्या है? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। वो क्या है? प्यार की फीलिंग क्या होती है ये मुझे तुमसे मिलने के बाद पता चला। आई लव यू धर्मिका, आई लव यू। अच्छा, तुम्हें भी प्यार हो गया? कहीं कमरा बुक करें क्या? नंदी हिल्स तो नहीं जाना? वो लाए हो ना, वो ला 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 लाए हो क्या? हाँ बताओ। धर्मिका तमाशा मत बनाओ मेरा, मैं वाकई अपने दिल से कह रहा हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शाबाश, तुम्हें याद है ना कि प्यार के बारे में मैंने जो थीसिस लिखी थी तुम उसके पेजेस को कितनी बुरी तरह फेंक कर गए थे? उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब तुम्हें प्यार के बारे में समझाऊंगी तभी मेरा थीसिस लिखना सक्सेसफुल होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें सब्जेक्ट बनाया और तुम्हारे करीब आई। तुमने जो भी कहा मैंने वो सब किया। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। जिस प्यार की तुमने बेइज्जती की थी उसी प्यार के सामने तुम एक दिन सर झुकाओगे और उसी प्यार के सामने तुम अपने घुटने टेक कर मेरे सामने तुम मुझसे प्यार की भीख मांगोगे। दिस इज द पावर ऑफ लव। जानती थी तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे, इसीलिए इस थीसिस बुक में दो पेज खाली छोड़कर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज तुम मुझे ढूंढकर आ ही गए और अब मेरा यह थीसिस कंप्लीट हो गया। आज ही वो दोनों पेजेस लिखकर इस बुक को कंप्लीट करके ऑफिस में सबमिट कर दूंगी। तुमने जो कहा था इस संसार में प्यार का मतलब वही होता है, ये थीसिस तो सिर्फ पढ़ने के लिए ही होती है। ये प्यार प्रेम सब बेकार की बातें हैं। लड़की प्यार को पाने के लिए क्या एक्सपेक्ट करती है पता है?
स्टेटस पोजिशन मनी मनी ये सब तुम्हारे पास है क्या? नहीं है ना? लड़की चाहती है लड़का फेरारी कार में बैठकर चार बाउंसर से घिरा हुआ ब्रांडेड टक्सीडो सूट पहनकर हाथ में गुलाब का फूल लेकर सामने आए, फिर तो कोई भी पड़ जाएगी। उसे कहते हैं असली मर्दानगी, पर तुम में वैसा कुछ भी नहीं है। हाथ में मुरझाया गुलाब लेकर आई लव यू कहने यहाँ पर आ गए। जाओ, तुम मर्द के नाम पर कलंक हो। प्यार प्यार करने आए हो? Come on, darling, come. Yeah, so... Shit. What happened? Baby, come. What is happening? Let's go. Why? Let's go, I'll tell but, you later. Please, what? Go inside. Please. Fast. Hey, driver, car chalao, jaldi. Hello, hi. sir, please, sir. Please forget the incident, sir. Sir, मुझसे गलती हो गई थी, sir. Please सब कुछ भूल जाइए, sir. Please, sir. I'm extremely sorry, sir. कौन है यार ये beautiful लड़की? Yes, sir. ये मेरी होने वाली मंगेतर है, sir. अच्छा, तो मंगेतर है तुम्हारी? Yes. Sir. यार गाड़ी तो बड़ी शानदार और महंगी लग रही है. कितने की है ये गाड़ी? 7 crore है, sir. क्या? 7 crore, sir. 7 crore की? यार काम क्या करते हो? सर ये मेरी नहीं है, मेरे डैड की है सर. अच्छा डैड की है? यस सर. यानी ये तुम्हारी नहीं है? यार मैं भी सोचूं कि ऐसा आवारागिरी करने वाला लड़का, उसके पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से होगी? तो ये तो बाप की गाड़ी है. यस सर. अच्छा तो समझ गई ना, ये तुझे झूठा स्टेटस दिखा के पटा रहा है. स्टेटस? दरअसल ये स्टेटस इसका कमाया हुआ नहीं, इसके बाप का कमाया हुआ है. ये फालतू का शोशा कर रहा है. तुझे इसके बाप के साथ रहना चाहिए. इसके साथ क्या कर रही है तू? हाँ, फुल कंफ्यूजन. लड़कियां स्टेटस देख के फंसती है. दौलत से मतलब है, कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है. जिसका स्टेटस है उसका कैरेक्टर नहीं है, और जिसका कैरेक्टर है उसके पास स्टेटस नहीं है. तुझे कैरेक्टर चाहिए या स्टेटस चाहिए, बता? सर, सर, प्लीज, ए, तुझे स्टेटस चाहिए या कैरेक्टर चाहिए? सर मेरी बात तो सुनिए. अरे बोल ना. कैरेक्टर. कैरेक्टर, हाँ ये हुई ना बात. ए अब जबरदस्ती चिपक मत, उसको कैरेक्टर से मतलब है, तेरे स्टेटस से नहीं. लिसन मी, लिसन टू मी. तेरे स्टेटस की तो, अरे तू यही है, कहीं नहीं.
अभी भी इसका स्टेटस चाहिए तुझे? तुझे कैरेक्टर की जरूरत नहीं है? कैरेक्टर की सोच, स्टेटस की नहीं। ये स्टेटस खाली दिखावे का होता है। चल निकल अभी। ऐसी होती है लड़कियां, कार देखी नहीं कि फिसली नहीं। अरे मेरे बाप ने भी कुछ कमा के रखा होता तो मेरी धर्मिका मेरे साथ होती। वो जो बैठा हुआ है ना वही है। बेकारी की औलाद, मेरे बेटे के लवर से कहा तूने कि ये स्टेटस और गाड़ी वाड़ी सब इसके बाप की है, उसी से शादी कर ले, ऐसा कहा तूने? सुन बे, मैंने ये स्टेटस अपने बेटे पोते और खानदान के लिए बना कर रखा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? कुछ समझ में आया? मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा, और तू है भिखारी की औलाद। ए, इसे इसकी औकात दिखा दो। तेरा बेटा मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अरे मेरी टोपी भी नहीं हिला पाए। चलो निकलो यहाँ से। अगर प्यार नहीं है तो जिंदगी नहीं है। इस पूरे संसार में प्यार ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी कॉलेज की धार्मिका ने प्यार के बारे में बहुत शोध और अध्ययन किया और इसके बारे में किताब भी लिखी है, और प्रैक्टिकली रूप से पढ़ाई करते हुए एक मनचले लड़के से प्यार करके उसे प्यार के बारे में समझाया। उसकी इस उपलब्धि के लिए उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है। अरे एलडी बैठा है वहाँ। अरे एलडी की टेंशन मत लो, वो कुछ नहीं कहेगा। आजकल वो खुद ही प्यार में पागल है, दूसरे को क्या समझाएगा। एलडी, एलडी। तेरे पापा का हॉस्पिटल में फोन कर देना। अरे अरे जिंदा है क्या? हुआ है पता नहीं, कौन है ये? आपने देखा नहीं? पता नहीं, हॉस्पिटल में फोन कर देना। सर मेरी नौकरी भगवान के लिए मेरे बेटे को दे दीजिए। संतोष ये लो, ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें ये नौकरी दिलवाने के लिए अपनी जान दे दी।
तुम्हें अच्छा बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। पापा, आपके इस त्याग के बदले मैं अपनी जिंदगी नहीं बनाना चाहता। नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। मैं आपको दिखाऊंगा पापा, जिंदगी में बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। संतु, आई एम वेरी सॉरी। इतनी तकलीफें झेल कर तुम इतने बड़े आदमी बन गए। रियली यू आर ग्रेट। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। मैं तो सिर्फ कॉफी देने के लिए आया था। यहाँ है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग लगे रहो, लगे रहो। अभी तक तो मैटर क्लोज हो गया होगा। प्यार, कामना, सब उसके बनाए हुए खेल हैं। बाहों में तू आजा, दिल पे मेरे छा जा, तन मन मेरा है प्यासा धार्मिका। Thank you.
हेलो, क्या हुआ? सपना देखा? थैंक यू सो मच संतू। माँ, पापा ने कहा था ना कि इंतजार मत करना माँ। अब पापा नहीं आएंगे ना माँ? आज मेरा स्टेटस ये है, ये 4.5 करोड़ की बेशकीमती अंगूठी देकर मैं धर्मिका को प्रपोज करूंगा और वो मना नहीं कर पाएगी। संतु, अभी 3 मिनट टाइम बाकी है, क्या कहना चाहते हो? मेरे दिल में जो कुछ है वो बताने के लिए पूरी जिंदगी तो क्या, मुझे कई जिंदगियां कम पड़ जाएंगी धर्मिका। शादीशुदा हो? लेकिन मैं तो तुम्हें कई साल पहले मन से अपनी पत्नी मान चुका हूं धर्मिका। लेकिन समाज? समाज से डरने की जरूरत नहीं है धर्मिका। सच कहो ना, तुम समाज से डरती हो क्या? संतु, तुम सपना देख रहे हो क्या? तुम्हारी पोजीशन बदल गई पर तुम नहीं बदले। ये कौन है? ये मेरे पति हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ बोलो ना। ये फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड से आई लव यू कहने जा रहे हैं, ऐसा बनाना कि वो एक बार में ही हाँ बोल दे। एक नई लड़की से मिलने के लिए एक नए रास्ते पर जा रहे हो और उसे मिलाने के लिए आपको मेरे जैसा एक दोस्त मिल गया। मैं आपको कॉलेज तक छोड़ देता हूँ और उन दोनों को एक दिन मिलना है ऐसा लिख भी दिया। ये लड़की अच्छी है, वो लड़की अच्छी है, ऐसा सोचते हुए फालतू में टाइम वेस्ट करके अपना सर फोड़ते रहते हैं। मैं उनसे कह के आई थी 3 घंटे मुझे डिस्टर्ब मत करना। कॉलेज में पागलों की तरह ये मेरे पीछे पड़ा था, उस फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। इन 3 घंटों में उन्होंने एक बार भी मुझे फोन करके डिस्टर्ब नहीं किया। कितने जेंटलमैन है ना, सही कहा ना? आई लव माई हस्बैंड। क्या हुआ यार, ऐसे क्यों घूर रहे हो? ओह, मेरे पति बहुत सिंपल है ना? मैं अपने पुराने प्रेमी से मिलने जा रही हूँ। ये सुनने के बाद भी उन्होंने मुझ पर बिल्कुल शक नहीं किया, उन्होंने मुझसे कोई सवाल तक नहीं किया, बल्कि मुझे खुद यहाँ ड्रॉप करके गए हैं। कितने अच्छे इंसान हैं, है ना? चाहे 7 जन्म हो या फिर 700 जन्म हो, तब भी मैं इनसे ही शादी करना चाहूंगी। आई लव हिम सो मच।
संतु, कॉलेज डेज में रोज लेकर लव लव करके मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन आज मैं खुद मिलने आई हूं। ए, अब कहां है वो रोज? आज मुझे रोज नहीं दोगे? एक रेड रोज का बुके देना भाई। लवर्स लो के लिए स्पेशल बनाया मैंने सर। किसे देंगे सर? अपनी लवर को? वो बहुत खुश हो जाएगी सर। सर चेंज रख लो। एक लंबे अरसे के बाद मैं ये गुलाब का बुके तुम्हें देने जा रहा हूं। मैं हमेशा से प्यार के लिए भटकता रहा, लेकिन मुझे सच्चा प्यार कभी नहीं मिला। कभी किसी ने मेरे प्यार को कबूल नहीं किया। लेकिन गौरी, आज क्या तुम मुझे माफ करके मेरे इस प्यार को स्वीकार करोगी? I love you, Gauri. Gauri, I love you. I love you, Gauri. कॉफी लेकर आती हूँ मैं। पागल कहीं के? रोजेस देकर अपनी बीवी को तुमने आखिर आई लव यू कह दिया ना? कैसे हो यार? सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। पता है, मैंने सोचा कि तुम इतनी तेजी से निकले हो कि रोजेस तुम मेरे लिए लेकर आओगे, पर तुम तो सीधे घर चले गए। खैर वो जाने दो। संतु, सच क्या है जानते हो? एक्चुअली हम दोनों की मुलाकात का रीजन तुम्हारी बीवी ही। हाँ भाभी, धार्मिका नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था वो। मुझे उसका नंबर देंगे आप? मेरे पति आपको हमेशा याद करते रहते हैं। भगवान के लिए सिर्फ एक बार उनसे मिल सकती हैं, प्लीज। ग्रेट वाइफ है यार। कोई भी पत्नी अपने पति को किसी पुरानी लवर से मिलने को कभी कहेगी क्या? वो अपनी खुशी से ज्यादा अपने पति की खुशी चाहती है। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊं तो तुम हमेशा खुश रहोगे या नहीं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें गौरी जैसी बीवी मिली है। तुमने जरूर कुछ पुण्य किया होगा। एनीवे संतु, ऑल द बेस्ट। सुनिए, कॉफी। I love you कहने जा रहा हूं। आज मैं अपने प्यार को पाने के लिए उसे ये रिंग देने जा रहा हूं। सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में तुम मेरी रहोगी। सिर्फ तुम गौरी, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। You are my only love।